हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसा गया आपका होली का त्यौहार? मैंने तो बहुत मज़े किए, मतलब हमने इतने बार होली खेली है ना, मतलब इस बार तो मेरी तबीयत भी ऐसी लग रही है ख़राब हो गई है। पता है, सबसे पहले हम जब सुबह उठे तो सबसे पहले हमने रंगों से होली खेली, मतलब हमारी बुआ जी आ गई थी सुबह सुबह ही, तो हमने उनके साथ होली खेली, ठीक है। फिर हमने जो है, हम बच्चे बच्चे थे, फिर हमने बच्चों बच्चों में रंगों से होली खेली, ठीक है। फिर हमने गीली वाली होली खेली पानी के साथ, ठीक है। फिर हम जो मम्मी हैं, पापा हैं, चाची हैं, चाचा हैं, ठीक है, उन वो सब आ गए थे, ठीक है। मतलब मम्मी खाना बना रही थी, गर्मी थी, ऐसा नहीं कहीं बाहर जाएगी, ठीक है। तो फिर उन सब के साथ खेला, ठीक है, पहले रंगों से खेला, फिर जो है पानी से भी खेला, मैं सबको भिगो दिया सबको। मतलब हमने इतनी देर होली खेली थी, इतनी देर होली खेली थी, इस बार बहुत मज़ा आया, पता है। और फिर जो है शाम के टाइम हमारी मामी जी आ गई थी, तो उनके साथ भी होली खेली, पूरा दिन ऐसा ही गया, ठीक है। वो जो होली का दहन होता है ना, उस दिन भी जो है रिलेटिव्स आ ही रहे थे, अच्छा करा कि हमने छुट्टी ले ली दो दिन की, वरना जो है ना बैड हो जाती, समझ रहे हो। तो इस वजह से हमने जो है बहुत मज़े किए होली में, इतने तो मज़ा आ गया, मतलब समझ रहे हो। तो अब हम बैक टू अपने रूटीन पे आते हैं आज से। तो आज से अपना स्टडी तैयार करनी है, मतलब जैसे ही हम कर रहे थे वैसे ही करते हुए चलेंगे अब स्टडी। तो आज का जो दिन शुरू होता है ना हमारा, थोड़ा लेट ही शुरू होता है, क्योंकि अब इस बात है हम सुबह सो ही पड़े थे भाई, इतनी देर तक सोया ना आज कुछ मत, ठीक है। तो सुबह हमारा 10 बजे आज मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट करी। सबसे पहले मैंने क्या करा, अपना जो मेरा टेबल है ना उसको साफ़ करा, क्योंकि सब यहीं बैठे हुए थे, मतलब चाय वाय सब इसी पे ही रख लेते थे, सीए ही बची है एक जगह, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना टारगेट देख लेते हैं आज के लिए। तो हमारा हिस्ट्री में मॉडर्न एम्पायर है, बायो में लाइफ प्रोसेस, मैम एक्सक्रेशन और विटामिन करना है, स्टैटिक में पार्ट टू करना है, स्पोर्ट्स का रीजनिंग नंबर सीरीज का पार्ट टू करना है, इंग्लिश में हमें जो है अपना टेंस के कुछ क्वेश्चन करने हैं आज, और जो है मैथ्स में हमने क्या करना है, कुछ तो था मैथ्स में, क्या है, नंबर सीरीज, ठीक है, सॉरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हम पहला सवाल स्टार्ट करते हैं हमारा हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हमने वही स्टार्टिंग करी अपनी, किससे, मॉडर्न एम्पायर से, राइट। तो आज मैं सोच तो रही थी रिवीजन करने की, पर मैंने नहीं किया यार, क्योंकि बहुत थकी हुई हूँ भाई, और इतना मज़े गया ना हमने होली में, तो पूछो मत, आज बहुत थकी हुई हूँ। तो इस वजह से मैंने मॉडर्न एम्पायर डायरेक्ट ही शुरू कर दिया, वैसे रिवीजन तो करना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, मैं कल करूँगी, ठीक है। कल रिवीजन करेंगे, पहले हम यहाँ तक का, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न एम्पायर करा, मॉडर्न एम्पायर कितना बड़ा था ना वैसे अगर देखा जाए तो, है ना, और काफ़ी सारी चीज़ें भी थी और सीखने वाली चीज़ें भी थी बहुत सारी इसमें अगर देखा जाए। मतलब भाई साहब ऐसे ही मार देते थे लोगों को, मतलब सब 99 भाइयों को मार दिया अपने, हद हो गई यार, मतलब ऐसे मार देते थे, ले तू भी जा, तू भी जा, तू भी जा, ठीक है। तो ये हमारा स्लॉट जो है, हमने जो है अपनी हिस्ट्री कर ली। फिर हिस्ट्री के बाद हमने बायो पे आए। बायो में देखो मैंने कितना मस्त मस्त डायग्राम बनाया ना यार, मतलब हद हो गई, अच्छे कहीं कैसे बना सकता है। तो सबसे पहले मैंने विटामिन ही ले लिया, क्योंकि विटामिन मेरा जो है नोट्स में सबसे आगे ही था। तो इस वजह पहले मैंने विटामिन्स पढ़ लिया। विटामिन्स पढ़ के मैंने पता है विटामिन के भाई कितना तो डिटेल में बना रखे हैं, मतलब मेरी ना बीच में स्टडी मैंने लीव कर दी थी ना, इस वजह से जो है मेरा सब कुछ छुट गया, वरना इतना अच्छे अच्छे नोट्स बना रखे ना, पी सी एस कर लूँ इससे, समझ रहे हो, ठीक है। तो फिर जो है मैंने विटामिन अच्छे से पढ़ा अपना, जो भी मतलब जो भी चीज़ें थी वो मैंने काफ़ी अच्छे से कवर करी, ठीक है, रिवाइज करके, मतलब मैंने इसको अच्छे से लर्न कर लिया, काफ़ी अच्छे से याद कर लिया मैंने। अब इसमें से कोई कुछ भी पूछेगा ना मैं बता सकती हूँ, समझ रहे हो, एक बार पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, समझ रहे हो। फिर विटामिन ख़त्म करने के बाद हमने ढूंढा अपना सेकंड जो हमारा टॉपिक था, एक्सक्रेशन, हाँ, तो वो ढूंढा हमने, ठीक है। तो इसको ढूंढ के जो है हमने इसको भी पढ़ना शुरू किया। भाई हमारे मतलब हमारा शरीर है उसमें कितनी सारी चीज़ होती है ना, अगर देखा जाए तो वो कितनी भारी भारी भी होती है। मुझे लगता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, लेकिन मुझे क्या पता इतनी सारी चीज़ें जो इतनी भारी भारी हैं, समझ रहे हो। तो कल जो है ये देखो मैंने डायग्राम बना रखा है अपना, है ना, ये अच्छा है ना, क्या करूँ मेरी ड्राइंग अच्छी, क्या करूँ, है ना। तो कल जैसे हमारे आए थे ना बुआ भाई साहब आए थे ना, सब कह रहे थे भाई तू तो मोटी हो गई है, है ना, हम मेरे को जो है ना अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, वरना इतना मोटा ऑफिसर अच्छा थोड़ा लगता है। तो फिर जो है चलो छोड़ा ये सब, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, भी हम स्टैटिक कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैटिक में हमने स्पोर्ट्स करा था जैसे कि पता है, ठीक है, हमने कहा लिया कि वो करा था कल, नहीं परसों, नहीं नहीं 23 तारीख को, है ना। तो 23 तारीख डे 4 में हमने इतना ही करा था। तो अब हम जो है इससे आगे बढ़ रहे हैं, तो आराम आराम से करते रहेंगे, ठीक है। आज मैंने क्या करा, आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी, इसमें जो प्लेयर्स थे वो भी देखे, है ना, कौन सा किस फील्ड का प्लेयर है ये सब देखा, और कुछ कप्स भी देखे। तो इसमें यार काफ़ी चीज़ें होती याद करने में, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरे को याद कैसे रहेगा, मैं तो ये सोच रही हूँ, और मैं कोई नहीं, चल यार याद तो रहेगा ही, है ना। फिर हमारे बज गए 2, आओ मैंने टाइम भी देखा था क्या,
तो 2 बज गए। फिर जो है हमने क्या करा, अपना जो है रिवीजन स्टार्ट किया इंग्लिश का। इंग्लिश का रिवाइज करने के बाद आज मेरे को क्या करना था, इसमें जो मुझे क्वेश्चन लगाने थे है ना, टेंस के क्वेश्चन लगाने थे मुझे 30, तो मैंने आज इतने ही लगाए क्योंकि मन ही नहीं करा आगे करने का। तो पहले तो हमने रिवाइज ही कर लिया जो भी हमने पढ़ा हुआ है ना, तो रिवाइज वाइज करके फिर जो है हमने इसके टेंस के जो क्वेश्चन थे वो लगाना शुरू किया। तो ये जो बुक है ये जयदीप सर की है, मैंने बताया तो था है ना, वही है, तो मैंने उसी से क्वेश्चन लगाए। तो इसके मार्क्स तो आई थिंक 30 में से 21 या 22 थे है ना, मैंने दिखाया नहीं शायद इसमें वीडियो में, पर कोई नहीं थे तक नहीं है ना, कहीं फर्क पड़ रहा है। मतलब क्या ना कि मन नहीं कर रहा था आज कुछ भी करने का, सही बता रही हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मेरा मन कर रहा था बस सो जाऊँ। और मैं सोई भी थी बीच बीच में, सही बता रही हूँ, मतलब मैं बीच बीच में सो भी गई थी, पर इस अभी तक तो मैं कंटिन्यू पढ़ाई कर रही हूँ, अब इसके बाद मैं सो जाऊँगी है, समझ लो। इसके बाद सो के आराम से फिर उठ के फिर पढ़ाई करेंगे आगे की जो भी हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने अपने क्वेश्चन क्वेश्चन लगा लिए। इसके बाद देखो मैं कितनी अच्छी हूँ यार, मैंने ये पार्ट भी करा, रीडिंग पार्ट भी मैंने कंप्लीट करा, देख रहे हो कितनी, मतलब इतने सर दर्द में मैंने कर रही हूँ हद तक यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे अंदर इतना मोटिवेशन कहाँ से रहा है, भाई मुझे बताओ, ठीक है। तो ये जो है अब हमने अगला अपना टॉपिक उठाया था जो था रीजनिंग। रीजनिंग के लिए मैंने ब्रेक तो लिया ही थी, ऑब्वियस बात है, मैं इसमें दिखा नहीं पाई शायद, मैंने टाइम नोट नहीं करा, तो मैंने ब्रेक लिया था बीच में। तो मैंने जो है अपना रीजनिंग तो मैंने अपना रीजनिंग कंप्लीट करा। फिर रीजनिंग में मैंने कॉन्सेप्ट ही करी, मैंने आज क्वेश्चन नहीं लगाया इसमें क्योंकि बस ऐसे ही पढ़ने का अपनी मर्जी। तो जो है हमने जो है रीजनिंग में जो हमारे बचे हुए कॉन्सेप्ट थे ना वो कंप्लीट कर लिए नंबर सीरीज के, जिससे कि कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कल से क्वेश्चन ही लगाने हैं अपने को, और क्या करना है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा चार्ट था ना, मैंने चार्ट डे 4 का भी जो है कंप्लीट नहीं भर रखा था, तो मैंने आज पहले वही फिल करा, डे 4 का कंप्लीट करा, क्योंकि आई थिंक मैं भूल गई थी शायद फिल करना ना, तो डे 4 का चार्ट मैंने कंप्लीट फिल करा। फिर मैंने डे 5 के लिए अपना चार्ट जो आज मैंने पढ़ा है उसको कंप्लीट फिल करा, जो भी हमने चीज़ें करी है। वैसे यार ये अच्छा होता है कि हम देख सकते हैं कि हम पढ़ कितना रहे हैं ना, तो आज का वैसे रीडिंग पार्ट था नहीं है ना, लेकिन मैंने फिर वो भी कर ही लिया था है ना, शायद मुझे पता नहीं होगा। तो ये था हमारी रीडिंग चार्ट। फिर आज हमारा टाइम हो चुका है अभी 7:30, रात के 7:30 हो रहे हैं, ओह मैं बहुत थक गई हूँ आज, ठीक है। और ये है डे 26, तो सॉरी डेट 26 है ना, डेट 26। तो ये रहा हमारा कल का टारगेट, ओके। तो सही से करेंगे, अभी से देख लेंगे और सही से कल को हम इसके लिए रेडी रहेंगे। और आज का मैथ्स का ऑफकोर्स मैंने कराया यार, मैंने क्लासेस ली हैं उसकी, बस ये है कि मैं क्लिप्स ऐड नहीं कर पाई इसमें क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, ओके। और जो टैब था वो मेरे भाई का था, तो उसने रख लिया भाई, अब वो दे ही नहीं रहा, ठीक है, कि नहीं भाई मैं दे ही नहीं रहा, ठीक है। अब मेरी मम्मा का फ़ोन है, ठीक है, तो वो भी मतलब तो वो भी नहीं ले सकते, ठीक है, तो वो भी नहीं मिलने वाला, तो अब ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो ऐसा ना समझा जाए कि मैं मैथ्स की रिवीजन नहीं कर रही या मैं मैथ्स का काम नहीं कर रही, ओके, मैं कर रही हूँ, तो आप भी करें, ओके। ये ना सोचें ये तो कर ही नहीं रही तो हम भी नहीं करें, ओके, सही से करें, ओके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।